समायरा न्यूज, मैं हूं आपके साथ मानसी राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पीथमपुर राव बाईपास पर हुआ सड़क हादसा, रोड के किनारे सब्जी बेचने वालों को जेसीबी ने रौंद दिया। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए इंदौर भेजा गया है। हादसे के बाद जेसीबी खेत में जा गिरी। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह जेसीबी को खेत से निकलवाया। आपको बता दें कि पीथमपुर राव बाईपास रोड पर टीही फाटे पर देर शाम एक जेसीबी असंतुलित होकर सड़क किनारे सब्जी बेचने वालों पर चढ़ गई और खेत में जाकर पलट गई, जिसमें दो लोग रोड के किनारे सब्जी बेचने वाले गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए इंदौर के एक निजी अस्पताल लाया गया है। हादसे के बाद जेसीबी खेत में जाकर पलट गई, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने निकलवाया। ये विशाल चौराहे से जो टीही रेलवे स्टेशन की तरफ रास्ता जाता है, यहाँ राव पीथमपुर रोड पर, यहाँ पर कुछ रोड किनारे सब्जी की दुकान लगाने वाले जो लोग थे, यहाँ पर सब्जी की दुकान लगाए हुए थे। तो आज शाम करीब 7 बजे एक जेसीबी चालक पीथमपुर की तरफ से आ रहा था और उसके द्वारा अपनी जेसीबी का कंट्रोल खोने से जेसीबी सब्जी वालों के ऊपर चढ़ गई रोड किनारे और जेसीबी नीचे खेत में समा गई है। दो व्यक्ति इसमें बुरी तरीके से घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल भेजा गया है और स्पॉट क्लियर किया जा रहा है। ट्रैफिक सही है। उनके नाम बता, मूलचंद और गोपाल नाम के बगौदा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं।